अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आवां तां जो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के अज के प्रोग्राम में जी त हर सियासी मामलों से हर हफ्ते असा गाल बोल कंदा आऊं, अहम मामलों से गाल बोल कंदा आऊं, पर गुजरियल हफ्ते में एक अहम मामला ये पेश आया त पीटीएम में दराड़ पैदा थी या दराड़ पैदा थी या नहीं थी। अपोजिशन जी सियासी पार्टियों से चवन थियो त असा अया भी गडूं, खास तौर ते यूसुफ रज़ा गिलानी पांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यो वाज़े कियो त पीटीएम गड आहे, पीटीएम सा गडजी हली जेके सियासी असांजा जेके मफादात आहिनि या सियासी तौर ते जेकी जदोजहद आहे उहा जारी रहंदी। जॾहिं त हुकूमती वुज़रा इहा शइ वाज़े तौर ते बयान पंहिंजो जारी करे रहिया आहिनि त पीटीएम में वाज़े तौर ते दराड़ अची वई आहे ऐं हिन वक़्त ताईं इहा शइ वाज़े नज़र अची रही आहे त सेनेट में अपोज़िशन लीडर जी जेकी सीट जो नोटिफिकेशन जारी थियो उहो यूसुफ रज़ा गिलानी खे बतौर सेनेट में अपोज़िशन लीडर नामज़द कयो वियो। जॾहिं त पीडीएम में इहो इतफ़ाक़ थियो त पीएमएलएन खे सेनेट में अपोज़िशन लीडर जी सीट ॾिनी वेंदी, जॾहिं त यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर चेयरमैन सेनेट जो उमीदवार हो, पर चेयरमैन सेनेट जी नामज़दगी न थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी पारां दरख़्वास्त बि दायर कई वई जेकी रद्द थी वई, हुन ते अमल दरामद न थियो। जॾहिं त हाई कोर्ट पारां हिकु ॿियो रस्तो आगाह कयो वियो त हुन रस्ते जे तहत तव्हां हुन फॉर्मन जे इस्तेमालु करे हिन मामले खे हुते खणी सघो था। इन सॼी सियासी सूरत हाल ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं प्रोग्राम में त पीपल्स पार्टी हिन वक़्त जीअं सियासी पार्टियुनि जूं सभिनी जूं नज़रूं पीपल्स पार्टी जे मथां, चेयरमैन सेनेट जी चूंड खां वठी मुसलसल हिन वक़्त ताईं जॾहिं अपोज़िशन लीडर सेनेट जे इंतिखाब ते मुंतखब थियण ताईं इहे सॼी नज़रूं पीपल्स पार्टी ते हूं, छाकाणि त पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु मुल्क जी सियासी तारीख़ में पंहिंजो अहम किरदारु अदा करे रही आहे। हिन वक़्तु डॉक्टर शाज़िया सौबिया सुमरो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पीपल्स पार्टी जी अहम अॻवान आहिनि, मेंबर क़ौमी असेंबली आहिनि, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी, तव्हांजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। हिन सॼी सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ॾांहुं सभिनी जूं नज़रूं आहिनि, पर जेकियूं पीडीएम जूं सियासी पार्टियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते पीएमएल आहिनि, नाराज़ थी वई आहे। पीएमएलएन वॾी दिलि बर्दाश्त थी वई आहे, एतिरे हद ताईं हुनजो इज़हार ख़्यालु अची रहियो आहे त हाणे शायदि उहो पीपल्स पार्टी ते एतमाद न कंदी। जॾहिं त यूसुफ रज़ा गिलानी त पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो आहे त पीडीएम खे हू गॾु खणी हलणु चाहिनि था, छा चवंदो? ॾिसो, पीडीएम जेकॾहिं असां ॾिठो वञे त पीडीएम में कोई बि अहिड़ी इख़्तिलाफ़ न आहिनि, पर जेकॾहिं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन शइ ते नाराज़ आहिनि त हे शइ, हीअ सीट जेका आहे लीडर ऑफ अपोज़िशन जी, असां बेकिंग जी हुन सां न थी आहे। असांजे नंबर त असां पहिरियां इहा ॻाल्हि कई से इहा शइ इलाही टाइम खां हले पई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा नंबर जेके आहिनि उहे सेनेट में वधीक आहे, ऐं जेकॾहिं ॾिठो वञे कॉन्स्टिट्यूशनल हुनमें पॉइंट ऑफ व्यू सां त हुनमें जंहिंजो जंहिंजो नंबर वधीक हूंदो आहे लीडर ऑफ अपोज़िशन उन्हनि जो ई हूंदो आहे, त उन हिसाब सां त लीडर ऑफ अपोज़िशन जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुजणु घुरिजे। ऐं उन खां अलावा जेके जिन मेंबरनि साइन कयूं आहिनि ऐं उन्हनि असांखे सपोर्ट कई आहे उहो बि सभु अपोज़िशन जा माण्हू आहिनि, ऐं अपोज़िशन जा सेनेटर्स आहिनि, त असांखे ॿी पार्टी सां वञी करे मुआदो न कयो आहे या गवर्नमेंट जी तरफ़ खां वञी करे असां कोन घुरी आहे सपोर्ट। हे पीडीएम जो ई कैंडिडेट आहे यूसुफ रज़ा गिलानी, जो हुन पंहिंजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहा शइ चई त जेकॾहिं इहा शइ आहे त मां पीडीएम खे गॾु वठी करे हलणु चाहींदमि ऐं मां पीडीएम जो ई कैंडिडेट आहियां ऐं पीडीएम जो ई लीडर ऑफ अपोज़िशन आहियां, अपोज़िशन लीडर जे लाइ जेके अंग अखर तव्हां वटि अक्सरियत हुई, पर इहा अक्सरियत जो इल्म त पीडीएम जे हुन इजलास में बि हो त पीपल्स पार्टी वटि अक्सरियत आहे, पर उते इतफ़ाक़ छो कयो वियो त अपोज़िशन लीडर पीएमएलएन जो हूंदो? उते बि इहा रिज़र्वेशन पेश करे सघिजे पई न त असांजा मेंबर वधीक आहिनि, अपोज़िशन लीडर जी सीट बि असांखे मिलणु घुरिजे? त उन हिसाब सां जॾहिं सेनेट इलेक्शन थियण खां पोइ जॾहिं काउंटिंग थी, काफ़ी टाइम खां इहा ॻाल्हि हले पई त लीडर ऑफ अपोज़िशन आफ्टर सेनेट चेयरमैन जे इलेक्शन खां पोइ असां यूसुफ रज़ा गिलानी खे नॉमिनेट कयो हुयो ऐं हुननि जो नालो त हले पियो शुरू खां, ऐं जेकॾहिं अहिड़ी कोई इख़्तिलाफ़ आहे बि त उहो इनशाला जो पहिरियों वेही करे ॻाल्हियूं थियूं हुयूं ऐं उन खां पोइ सॼा जेके इख़्तिलाफ़ हुया उहे ख़तम थिया हुया, त इनशाला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी पर्सनैलिटी जेका आहे या हुननि जी शख़्सियत खे ॾिसी करे उहे कदावत शख़्सियत आहिनि
मुझे ख्याल में हो इन्हीं प्रॉब्लम के भी रजिस्ट्रे नमूने सा सॉल्व करे अच्छा पीएमएलएन जा अगवान चवन था त हाने जी के असन तहरीक अरूज ते हुई उन्हें में जो को ब्रेक आयो आ उन जी वजह पीपल्स पार्टी आए आई उन्हें जो यो भी चवन आए त हने वक्त जो को अगर ब्रेक आयो आ इमरान खान के कुछ टाइम मिलियो आ त उन्हें जी वजह भी पीपल्स पार्टी आए आई अगर टाइम पूरो थी करे या हुकूमत आई आवाम मुतासिर थी थे त उन्हें जी जिम्मेवार भी पीपल्स पार्टी आए इस वक्त माजी में भी डिठो वे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलाही इल्जाम लगा हुआ जिनकी शुरुआत ऐसो जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का थी हुई तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमहूरियत के कॉम्प्रोमाइज न करण के पांजे असूलन के कॉम्प्रोमाइज न करण से उनके फांसी की सजा दी ए बीबी साहिबा के भी जो मुल्क बदर कर वो भी इन्हीं गाल के करे कयो जो उन्हें जमहूरियत के मतों कोई कॉम्प्रोमाइज न कयो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल बेगुनाह जो जेल काटी हुई वो भी इन्हीं इल्जाम के पूरे इल्जाम के तहत काटी तो ऐसो यह शे शुरू का वंटी आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा इल्जाम लगातार रहता है पर वो बेबुनियाद होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हमेशा उन शे के पंजे जे चाहे तो सियासी मेजॉरिटी से उन शे के हल करवाए उन प्रॉब्लम जो सलूशन करे हुआ है इन्हीं में तारी सो जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जिगरे देखो वही तो सभी पॉलिटिशियंस में कम उम्र है उन्हें जी उम्र एतरी ना है पर सियासी तौर पे उन्हें जी मेजॉरिटी वधी का है छो जो उन्हें अगते वधी करे पीडीएम जेरो प्लेटफॉर्म ठायो सभी 11 जमातन के गद कयो ए उन सा गाल बोल कई ए हन वक्त तई भी जिस जितरा जलसा थे जुलूस थे जे के भी एक्टिविटीज पीडीएम जे प्लेटफॉर्म ता थियो वे सब कामयाब हुए तो हन शे ते भी ऐसा एक इल्जाम ही समझना थे पर जरे मा पेरा भी गाल गई तो एक प्लेटफॉर्म अगते ली अमकान आहन डॉक्टर साहब अगते ली अमकान आहन त पीपल्स पार्टी ए पीएमएलएन हिक पेज ते बेहर गडजी थी सकन था अगते अमकान आहन ता नजर में सो माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन थी हुई ए उन खा पो इन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिफ्रेश के हुए पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सही इंशाल्लाह ये इंतजाम आहे त ये मुझे ख्याल में वरी टेबल ते वेबा गलहाइबो त उहे जेके इल्ज़ाम आहिनि असां न चाहींदासीं त असां पंहिंजे जेको वन पॉइंट एजेंडा आहे हिन न आयल सिलेक्टेड गवर्नमेंट खे उन जी जाइ तां हटाइण जो उन एजेंडा खां हटूं ऐं असां हिन गवर्नमेंट खे कोई ख़ुशख़बरी ॾियूं त पीडीएम जेका आहे उहा टुटी वई आहे या पीडीएम जेका आहे उहा ख़तम थी वई आहे अहिड़ी ख़ुशख़बरी असां हिन गवर्नमेंट खे ॾियणु नथा चाहियूं ऐं इनशाला असां वरी गॾु थींदासीं गॾु आहियूं ऐं गॾु रहंदासीं ऐं हिन गवर्नमेंट खे घर मोकिलींदासीं अच्छा वैसे बज़ाहिर असां भई जर्नलिस्ट या हुकूमती जेके मौक़िफ़ अचनि था उन सां ॿ शयूं ज़ाहिर थी थियूं हिन सॼे इख़्तिलाफ़ जी वजह तव्हांजे वैसे ज़ाती ख़्याल में छा थी थी सघे छा मरियम साहिबा जो सिलेक्टिव वारो बयान वजह थी सघे थी या बिलावल जो नायब सदर जे हवाले सां बयान जेको ॾिनो उहा वजह थी सघे थी छो त दरार त पैदा थी आहे इहा त बज़ाहिर हिकु शइ नज़र अची रही आहे न ॾिसो त माज़ी में मां वरी माज़ी खे ई दोहराईंदमि त माज़ी में बि इलाही शयूं हुयूं जिन जो फ़ाइदो दुश्मननि खयो हुयो हाणे असां उन शयुनि खे दोहराइण नथा चाहियूं छो जो तव्हांखे ख़बर आहे त हमेशह माण्हू पंहिंजे ग़लतियुनि खां सिखंदो आहे त माज़ी वारियूं ग़लतियूं दोहराए करे असां दुश्मननि खे हौसला मंद नथा करणु चाहियूं इनशाला पीडीएम में जेके बि शिकायत आहिनि जेके बि इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे वरी खां टेबल ते वेही करे डिस्कस थींदा ऐं इनशाला उन्हनि खे सॉल्व करे इंशाल्लाह पंहिंजी तहरीक खे कंटिन्यू कयो लॉन्ग मार्च थींदो तव्हांजे ख़्याल में अगर लॉन्ग मार्च जो भी डिसीजन इंशाल्लाह जेको 17 इजलास थींदो पीडीएम जो उन में सब डिसीजन थींदा ऐं उन खां पोइ ही सब शइ सभिनी जे साम्हूं ईंदी ऐं इंशाल्लाह तव्हांखे ख़बर पए आखिर में यो बुधाइजो त अगर पीएमएलएन जेयूआईएफ गडियल तौर ते पीडीएम ठाही पीपल्स पार्टी के माइनस कयो त छा तव्हां हुकूमत सां हुकूमत जे ख़िलाफ़ु अलॻि तौर ते तहरीक हलाइण जो इरादो रखे थी पीपल्स पार्टी या पीडीएम सां ई गॾु तहरीक हलाइण जो इरादो रखे थी अगर पीडीएम जो प्लेटफॉर्म ठाहिण जो इनिशिएटिव जेको हुयो जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो हुयो ऐं जेकॾहिं कोई इहो सम्झे थो त पीडीएम खां पीपल्स पार्टी खे अलॻि करे ऐं पीडीएम हलाई वेंदी त उन ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहो कंहिं शइ ते कॉम्प्रोमाइज कंदी त इहो ग़लति फहमी आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न पहिरियां जमहूरीअ ते कोई कॉम्प्रोमाइज कयो हुयो क़यादत शहादतूं ॾिनियूं जेलुनि जा मुंहुं ॾिठा सज़ाऊं काटियूं पर जमहूरीअ ते कॉम्प्रोमाइज़ न कयो त इनशाला जेकॾहिं अहिड़ी कोई ॻाल्हि थी बि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो मौक़ो उहो ई रखंदी
वही महरबानी दी तीन कीमती वक्त दिनों ने अहम मौजू से ख्याल में दिया नाजरीन डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरू असा गुड मौजूद हुई पीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असेंबली सीनियर अगवाणी उन गालबोल कई पीपल्स पार्टी जो तो मौको मालूम कर ब्रेक ही ब्रेक का पीएमएलएन जो मौको मालूम कदी।